हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा आज आपको आपके हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3 हर झंडा कुछ कहता है नामक एक पार्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पार्ट में ये बताया गया है कि हर झंडा कुछ कहता है, प्रत्येक देश के झंडे का कुछ न कुछ विशेष महत्व होता है। हर झंडा कुछ कहता है, देखिए बच्चों, प्रत्येक देश, संस्थान और सेनाएं, इनके अलग अलग झंडे होते हैं जो कि अलग अलग विषय का इनका प्रतीक माना जाता है इनको, ठीक है। तो ये झंडे जो होते हैं वो किस स्थान पर, किस विषय पर क्या क्या महत्व रखते हैं वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त का दिन था, एक बालिका जो कि विद्यालय से आती है और वो उनके स्कूल में झंडा फहराया जाता है और उसका नाम होता है केशिवा। केशिवा की आंखों में जब वो स्कूल में झंडा फहराती है तो उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, ठीक है, कि अपने देश के झंडे के प्रति उसके जो आंखों में था वो सम्मान झलक रहा था। उसके मन में कुछ प्रश्न भी उभर रहे थे कि झंडा क्या होता है, क्यों फहराया जाता है, इसका क्या महत्व है। ऐसा सोचते सोचते केशिवा जो है वो अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है, अपना कुछ नाश्ता लेती है और कंप्यूटर पर बैठ जाती है और वहाँ पर वो सर्च करती है कि ये झंडों के बारे में जानकारी को। जैसे ही केशिवा कंप्यूटर बैठकर सर्च करती है तो उसे वहाँ पर झंडों की दुनिया के बारे में एक अनोखी जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है। झंडों की अनोखी दुनिया, ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं होता, ये विभिन्न देशों, संस्थाओं और सेनाओं का प्रतीक माना जाता है। देखिए बच्चों, पहले झंडे का टुकड़ा जो एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं होता झंडा, ये हर स्थान का अलग अलग प्रतीक होता है और विशेष महत्व रखता है। पुराने समय में जो झंडे थे वो वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल से बनाए जाते थे ताकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सके, ठीक है। लेकिन बाद में जब कपड़े का आविष्कार हुआ तब ये कपड़े पर ही बनाए जाने लगे। हर झंडे का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है। देखिए क्या अर्थ होता है, हम यहाँ अलग अलग झंडों का अलग अलग महत्व और अर्थ समझेंगे। पहला है, कारों की दौड़ में काले और सफ़ेद चेक वाले झंडों का अर्थ है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, काले और सफ़ेद चेक वाला जो झंडा है ये कारों की दौड़ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है कि अब कारों की दौड़ समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही अब दूसरा देखते हैं, ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। छल्लों की ये श्रृंखला इन महाद्वीपों की एकता की प्रतीक होती है। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये छल्ले बने हुए एक दूसरे में, ये एक दूसरे में पिरोए हुए हैं, अलग नहीं है झंडे, एक ही है। तो ये क्या है, 5 जो महाद्वीप है उनकी एकता का प्रतीक होता है। जब हमारे ओलंपिक के खेल होते हैं वहाँ पर इस झंडे का प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्या है, विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे UNO, रेड क्रॉस, स्काउट आदि के भी अपने झंडे हैं जो इनके उद्देश्यों की जानकारी देते हैं। ये देखिए, इसमें ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ये झंडा है। अब इनके अलग अलग उद्देश्य और नियम होते हैं, उनकी जानकारी ये झंडे देते हैं। कुछ झंडे हमें खतरे के बारे में भी चेतावनी देते हैं, जैसे कि जब किसी जहाज पर बैंगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वो जहाज संकट में। देखिए बच्चों, जब समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज आते हैं अब अगर उसके ऊपर कोई खतरा है या वो संकट में है तो एक बैंगनी रंग का झंडा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उस पर काला गोल धब्बा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जहाज संकट में है। कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं जैसे सफ़ेद, लाल, काला या पीला, इनमें कोई दूसरा रंग मिला हुआ नहीं होता है, केवल एक ही रंग के होते हैं। सफ़ेद झंडे का अर्थ है संधि या समर्पण, जैसा कि हम जानते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है तो उसका मतलब हो गया संधि या समर्पण। चीन में सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है, दुख का प्रतीक माना जाता है, जब किसी के प्रति दुख या शोक प्रकट करते हैं तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का झंडा लगाया जाता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है तथा इसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है कि सब ठीक ठाक है, हरा रंग है, सब ठीक है, बिल्कुल सही है, सुरक्षित है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है, जब किसी क्षेत्र में गंदगी या महामारी फैली होती है तो वहाँ पर पीले रंग का झंडा लगाकर उसको संकेत दिया जाता है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी या यहाँ पर महामारी फैली हुई है। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का प्रतीक है, जैसा कि हमें पता है काला रंग शोक का प्रतीक होता है, जब भी कहीं शोक या किसी की मृत्यु हो जाए या विरोध करते हैं हम किसी का तो वहां पर काले रंग का झंडा लगाया जाता है। अब
जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम देखते हैं ना, जब कहीं न्यूज़ में, समाचार पत्रों में दिखाई देता है कोई मंत्री या कोई विशेष नेता जिसकी मृत्यु हो जाती है देश का, तो वो झंडा झुकाकर उसका शोक प्रतीत करते हैं, दुख व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो भी एक नेता जो मंत्री होता है उस राष्ट्र का कुछ प्रतीक माना जाता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। कोई सभी देश हो, जैसे हमारा देश भारत देश, तो हमारे देश का झंडा क्या कहलाता है? तिरंगा झंडा। तो हमारे देश का प्रतीक हो गया हमारा तिरंगा झंडा। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और दर्शन को बताता है। केशिवा को ये सब इतनी अच्छी अच्छी उसको जानकारी मिल रही थी कंप्यूटर पर, जब उसने देखा तो उसको इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा, जो उसके सामने उसका जूस और जो सैंडविच रखा हुआ था वो भी ठंडा हो चुका था। झंडों की दुनिया में खोई हुई केशिवा को सैंडविच और जूस का भी ध्यान नहीं रहा, वो तो उसी में खोई रही थी। लेकिन क्या होता है, अचानक लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाती है तो वो भी उसे कंप्यूटर को बंद करके अपना सैंडविच और जूस लेकर कमरे से बाहर गुनगुनाती हुई निकल जाती है, और उसे बड़ा गर्व होता है कि मैं भारत निवासी हूँ और आज मैंने तिरंगा ध्वजारोहण में मैंने भाग लिया है। देखिए वो कुछ गुनगुना रही है, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, आकाश और जमी पर हो तेरा बोल बाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला। उसे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि वो मनी मन ये गाना गुनगुनाती हुई चली जाती है। थैंक यू।